प्रधानमंत्री मोदी की शिव भक्ति की नई तस्वीर आई है सामने। मोदी ने जब आज अपने आराध्य देव की एक धरोहर को देखा तो बस देखते ही रह गए। प्रधानमंत्री ने आज पिथौरागढ़ की पहाड़ियों पर मौजूद आदि कैलाश के दर्शन किए। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप पारंपरिक वेशभूषा में देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले आपने ऐसी तस्वीर कभी नहीं देखी होगी जब देश के प्रधानमंत्री पार्वती कुंड पहुंचे हों। अद्भुत दृश्य इस वक्त आप पिथौरागढ़ की इन पहाड़ियों पर देख रहे हैं, पार्वती कुंड और इसके बीच चमचमाता हुआ ये त्रिशूल। कैलाश पर्वत के बाद ये आदि कैलाश दूसरी सबसे पवित्र चोटी कही जाती है और इसका अपना एक धार्मिक महत्व है। वेदों और पुराणों की जानकारी के मुताबिक आदि कैलाश भगवान भोलेनाथ का प्रिय स्थल है। ये भारत का कैलाश पर्वत कहा जाता है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अब से थोड़ी देर पहले की, जब देवभूमि पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पार्वती कुंड में उन्होंने आराधना की, पूजा की, पारंपरिक वेशभूषा में वो नजर आए। आपको बता दें गुंजी गांव में जवानों से संवाद का भी उनका कार्यक्रम, लेकिन उससे पहले भव्य और दिव्य अलौकिक शिव भक्ति की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 19,505 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ ये पार्वती कुंड चारों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़ी हुई एक अद्भुत कहानी भी इसी स्थल से है और इसलिए इसका आध्यात्मिक महत्व भी हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस आदि कैलाश के दर्शन किए उसकी बड़ी महिमा है। आदि कैलाश भगवान भोलेनाथ का प्रिय स्थल है। इसका प्राचीन काल से ही धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रहा है। ये पर्वत शिखर पंच कैलाश पर्वत चोटियों में से एक है, जिसे तिब्बत में कैलाश पर्वत के बाद दूसरी सबसे पवित्र चोटी कही जाती है। आदि कैलाश को भगवान शिव के सबसे प्राचीन निवास स्थल के रूप में भी माना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए जा रहे थे तब वो इस स्थान पर रुके थे। मोदी ने आज पार्वती कुंड के भी दर्शन किए। 19,505 फीट की ऊंचाई पर स्थित जोलिंग कोंग मंदिर भगवान शिव और पार्वती का खास मंदिर है। इस मंदिर का पौराणिक महत्व है। शिव और पार्वती के विवाह से भी खास मान्यता जुड़ी हुई है इस मंदिर की। आप जो चोटी देख रहे हैं वाकई में अद्भुत स्वरूप है इस चोटी का। यहाँ से आदि कैलाश चोटी का जो विहंगम दृश्य दिखाई देता है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि यहाँ पर पहुंचे तो इस अवसर पर आज पूरे भारतवासी भी इन दृश्यों को देख रहे हैं। आध्यात्मिक महत्व लिए हुए, प्राकृतिक सुंदरता लिए हुए यह क्षेत्र अपने आप में बेहद खास नजर आता है। प्रधानमंत्री शिव भक्त हैं, वो भगवान शिव के हर बड़े मंदिर और धाम के दर्शन करने जाते रहते हैं। आज उन्होंने पार्वती कुंड में पिथौरागढ़ के पार्वती कुंड में दर्शन पूजन किए।
फिर आदि कैलाश का दर्शन किया और अब वो अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में भी पूजा करने वाले हैं। मोदी से आज उत्तराखंड के 4200 करोड़ की सौगात की भी घोषणा होने वाली है। 76 सड़कों, 25 स्कूलों का उद्घाटन होगा। बीडीओ कार्यालय की 15 इमारतों का भी उद्घाटन आज होने वाला है। इसके अलावा अपग्रेडेशन के बाद 3 सड़कें अब खोली जाएंगी। नेशनल हाईवे की भी 2 सड़कों के अपग्रेडेशन की सौगात मिलने वाली है। पेयजल के 3 प्रोजेक्ट और कृत्रिम झील का भी उद्घाटन होना है। आदि कैलाश का दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम पर्वत का भी दर्शन किया। जब आप आदि कैलाश और पार्वती कुंड देखने के लिए जाएंगे तो रास्ते में ओम पर्वत भी आता है। ये बिल्कुल ओम की आकृति सा नजर आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। जिन पुजारियों को भी आप देख रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो यहाँ पर पार्वती कुंड की, इस मंदिर की पूजा अर्चना में, सेवा में तत्पर है। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर पहले आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इंडिया टीवी की टीम भी यहां मौजूद थी। देखिए संवाददाता पीयूष मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम आदि कैलाश पर्वत श्रृंखला पर मौजूद है, जहां से ये पहाड़ आप देख रहे हैं। ये लगभग 17,000 फुट की ऊंचाई पर ये पहाड़ है, जहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा है। और ठीक उसके ऊपर आप देख सकते हैं थर्ड लेयर ऑफ बंकर है, क्योंकि यहां से दो और लेयर के बाद चाइना की सीमा शुरू हो जाती है। और चाइना की सीमा के बेहद नजदीक से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरता हुआ, जो बंकर्स भी आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, ऊपर आप तस्वीरों में दिखेंगे तो लगभग 2 से 3 बंकर है। ये थर्ड लेयर ऑफ बंकर है, उसके बाद 2 और लेयर है जिसके बाद चाइना की सीमा शुरू हो जाती है। ठीक मेरी दाई तरफ जो है ये जो पहाड़ है, इसको पार्वती मुकुट कहा जाता है। और इस मुकुट के ठीक नीचे ही पार्वती कुंड है। मान्यता ये है कि भगवान शिव जब माँ पार्वती के साथ शादी करने जा रहे थे, जब ब्याह उनका होने वाला था, तो उससे ठीक पहले भगवान शिव यहाँ पर रुके हुए थे। और आप तस्वीरों में देखिए कैसे प्रधानमंत्री का काफिला जो है धीरे धीरे यहाँ से बढ़ता हुआ पार्वती कुंड की तरफ जा रहा है। और ये सामने जो पहाड़ है, मैं अपने कैमरा चंद्रभान को गंगा को अगर कैमरा पैन करके दिखाएं, सामने ये जो पहाड़ है ये पूरी तरह से एक मुकुट के तरह नजर आता है। और इसी पहाड़ को पार्वती मुकुट का नाम भी दिया गया है। इस पहाड़ के ठीक पीछे काफी बड़ी श्रृंखला है पहाड़ों की। और मेरे दाई तरफ आप तस्वीरों में देखेंगे तो पीछे यहाँ पर आदि कैलाश पर्वत है। कैलाश मानसरोवर का छोटा रूप भी इस पर्वत को माना जाता है। और वहाँ पे जो पुजारी हैं वो यहाँ के इस इलाके के सबसे आखिरी गांव यानी कुटी गांव के पुजारी हैं। और ये मान्यता है कि वो काफ़ी पुराना गांव है और काफ़ी सालों से वो गांव वहाँ पर है। और एक और चीज़ जो पुराणों में भी इसका उल्लेख किया गया है कि वो जो जगह है वहाँ पर पांडव भी रुके थे। और जो कुटी गांव लोग अपने आप को कुटियाल कहते हैं और अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज बताते हैं। धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ते हुए इस पहाड़ी के ठीक पीछे पहुंच रहा है जहां पर पार्वती कुंड है। माना ये भी जाता है, मान्यता ये भी है कि पार्वती कुंड वही जगह है जहां पर माँ पार्वती ने स्नान किया था और उसके बाद यहां से वो गई थी। और तस्वीरें में आप देखिए कैसे पहली बार देश के प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं। ये इलाका कहीं ना कहीं काफी दुर्गम रास्तों से भरा हुआ है। पिछले एक साल में यहाँ पर 876 यात्री आ चुके हैं। 1991 में ये यात्रा शुरू की गई थी, तब से लेके यहाँ अब तक लगभग 5500 से 6000 यात्री आदि कैलाश पर्वत के दर्शन कर चुके हैं। आदि कैलाश पर्वत के पास में गौरी कुंड है और साथ ही में पार्वती कुंड भी है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर ओम पर्वत भी है जिसकी भी काफी मान्यता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।